मैं अभी लाई प्रभु। पीजिए प्रभु। न जाने ये भीषण भूल कैसे हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। ममता के आवेग में हुई भूल भूल नहीं कहलाती। मैं तो वैसे ही प्रेम का भूखा हूं, जिस प्रेम और अधिकार से आपने और आपके पुत्र ने अपने मन की बातें मुझसे कही हैं, मेरा मन तो उसी से भर आया। देवी कद्रु, आप दोनों का व्रत सफल हुआ, अब आपको इसका फल मिलेगा, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। उठिए, आंखें खोलिए कद्रुनंद, आंखें खोलिए कद्रुनंद, आंखें खोलिए कद्रुनंद, आंखें खोलिए कद्रुनंद। प्रभु, इस व्रत को सफल बनाने के लिए गरुड़ ने जो प्रयास किए हैं, उनके प्रभाव से इसका प्रायश्चित पूरा हुआ। वैसे भी सभी नाग जीवित हैं, इसलिए जीव हत्या ना होने के कारण देवी कद्रु का श्राप भी फलीभूत नहीं होगा। जिसके जीवन के लक्ष्य बड़े हों, उसके मार्ग में समस्याएं भी अधिक आती हैं। तैयार हो जाओ गरुड़, अब तुम्हारे मार्ग में शीघ्र ही अनेक बाधा विघ्न आएंगे, अनेक परीक्षाएं होंगी, पर स्मरण रहे, स्वर्ण अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है। आज के बाद कोई भी आपदा या विपदा तुम सब तक नहीं पहुंचने दूंगी। दीर्घायु, तुमने तो भयभीत कर दिया था हमें। ये तुम्हारा का विश्वास था जिसने हमें साहस दी। सही कहा, जितना कठिन तुम्हारा व्रत था उतनी ही निष्ठा से निभाया तुमने। ये तुम्हारे व्रत का फल है जो तुम अपने पुत्र को यम के फंदे से बचा कर ले आए। ये चमत्कार केवल तुम ही कर सकती थी कद्रु। यम के फंदे से? दीदी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ माँ, पल भर पहले तो हम गरुड़ के साथ सूर्य लोग जा रहे थे और दूसरे पल हमें भगवान विष्णु का स्वर सुनाई दिया। तुम सब बहुत भाग्यशाली हो,
जो तुम्हें कदरू जैसी मां मिली है। इसकी प्रार्थनाओं के कारण आज तुम सब जीवित हो, वरना वो विंता और गरुड़, उसके कारण तो तुम सब लगभग मर ही चुके थे। मुझसे छुपाकर तुम सब उस गरुड़ के साथ चले गए थे। सूर्य लोक के स्थान पर मृत्यु लोक पहुंच गए थे तुम सब। इस बार तो मैंने तुम सबको सुरक्षित कर लिया, किंतु अगली बार ऐसा कुछ मत करना। अब ऐसा नहीं होगा माँ। हाँ माँ, हम आपके आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएंगे माँ। ये तो अनुचित है प्रभु। कद्रू माँ भी जानती हैं कि विंता माल गरुड़ के बिना नाग भाइयों का जीवित रहना असंभव था, फिर भी उनके स्वभाव में कृतज्ञता है। कृतज्ञता नहीं, ऐसा आभास होता है जैसे विंता मौल गरुड़ की अच्छाइयों को पूरी तरह नकार दिया है इन्होंने। और दूसरी ओर विंता मौल गरुड़ भी विचित्र है, जीवित पुत्री का व्रत को सफल बनाने के लिए कितना कुछ किया है उन्होंने, और ये दोनों उसका श्रेय भी नहीं ले रहे। जानते हो ऐसा क्यों है शेष? क्योंकि कद्रू के मन में अभिमान और स्वार्थ के भाव प्रबल है, जबकि विंता और गरुड़ के मन में भक्ति और परोपकार के भावों की प्रधानता है। जब कोई पाप करता है तो उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रहा होता हूं। इसी तरह पुण्य करते समय भी जब कोई ये सोचे कि कोई उसे देख रहा है या नहीं, तब भी मैं उसे देख रहा होता। विश्वास करो शेष, अपने अपने कर्मों का फल हम सबको भोगना पड़ता है। प्रभु, आपने गरुड़ से कहा था कि उसके जीवन के लक्ष्य बढ़े, इसीलिए उसके सामने समस्याएं भी बढ़ी आएंगी, किंतु आप किस लक्ष्य की ओर संकेत कर रहे थे? जब से असुरों को गुरु शुक्राचार्य के माध्यम से संजीवनी विद्या प्राप्त हुई है, तब से वह निर्भय हो गए। आपकी महाकठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ ऋषि भार्गव। केवल एक ही वरदान चाहिए मुझे, व्रत संजीवनी विद्या। स्वर्ग प्राप्त कर लेने के बाद भी उन्होंने देवताओं को सताना, उनका शोषण करना नहीं छोड़ा। देवता भी उनके भय से छुपने पर विवश हो गए। ऋषि मुनियों की तपस्या में, उनके दैनिक कार्यों में व्यवधान आ रहा है, और श्री लक्ष्मी के समुद्र के भीतर समा जाने के कारण पृथ्वी पर अव्यवस्था फैल गई है। पर अब इस अव्यवस्था को दूर करने का समय आ गया। अब पृथ्वी पर पुनः मुझे संतुलन स्थापित करना होगा, और इसके लिए मित्र और शत्रुओं को साथ लाना होगा। विरोधियों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा शेष, जो इस संसार ने आज तक ना देखा हो और ना ही सुना हो। मेरी इस योजना में गरुड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, पर ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं होगा। प्रभु, ऐसा क्या करने वाले हैं आप? जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं शेष, उन सभी के उत्तर तुम्हें सही समय आने पर मिलेंगे, पर अभी मुझे जाना होगा। एक मां बहुत लंबे समय से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो
आपकी तपस्या सफल हुई देवी अदिति। देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति। अब इन आंसुओं को पहुंचने का समय आ गया है। आपने ये भीषण तपस्या अपने पुत्रों की प्राण रक्षा के लिए, उन्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए और उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें लौटाने के लिए की, पर यह तब तक संभव नहीं जब तक देवी लक्ष्मी वापस लौट नहीं आती। ये अपराध मेरा है प्रभु, मैं ही अपने पुत्र को अहंकार से नहीं बचा पाई, जिसके कारण महर्षि दुर्वासा का श्राप मिला। तूने विजयश्री की प्रतीक परम पूजनीय रुद्राक्ष की माला मेरे आशीर्वाद और उससे भी अधिक मेरे आराध्य भगवान शिव के वरदान का पान किया है। आज से तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे, तेरा ऐश्वर्य भूमि में मिल जाएगा, श्री समुद्र में चली जाएगी, ये मेरा श्राप है तुझे। और आप और देवी लक्ष्मी विरह की असहनीय पीड़ा सहने पर विवश हो गए। देवी अदिति, पुत्र की भूल के लिए आप स्वयं को अपराधी मत मानिए। आप भली भांति जानती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं और इसीलिए आपके पुत्रों के कष्टों के निवारण के लिए मेरे पास एक उपाय है, जिससे ना केवल देवताओं का खोया हुआ मान सम्मान वैभव लौट आएगा, अपितु इस संसार में श्री भी लौट आएंगे। अब आप मेरा ये संदेश अपने पुत्रों को दें कि वे शीघ्र अतिशीघ्र मुझसे आकर भेंट करें, उनका कल्याण होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके मन में कोई और दुविधा भी है, निसंकोच कहिए देवी। प्रभु, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरी तपस्या के सफल होने का कारण कोई और भी है, कोई ऐसा जो मेरी रक्षा कर रहा था। वो देखिए प्रभु। कोई बताए या ना बताए, किंतु मां का हृदय जान ही जाता है। वो परोपकारी कोई और नहीं, आपकी बहन विंता का छोटा पुत्र गरुड़ था। उसने अपने हित का विचार किए बिना असुरों के आक्रमण से आपकी रक्षा की, भविष्य में भी
आपके पुत्रों की सफलता के लिए उसका साथ आवश्यक होगा। गरुड़ ने मेरे लिए इतना बड़ा परोपकार किया है और भविष्य में भी मेरे पुत्र की सफलता के लिए बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे शीघ्र ही उससे मिलना चाहिए। माँ, प्रभु विष्णु ने कहा था अब मेरे मार्ग में अनेक बाधा विघ्न आएंगे, अनेक परीक्षाएं देनी होंगी मुझे। इसका अर्थ क्या हो सकता है माँ? प्रभु विष्णु की लीला तो वो ही जाने हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ, उन्होंने ये भी कहा था कि स्वर्ण अग्नि में तपकर कुंदन बनता है। ये तेरे लिए संकेत है गरुड़, तुझे भी कठिनाइयों की अग्नि में तपकर कुंदन बनना है। मैं पूरा प्रयास करूंगा मां, आपकी आशाओं पर खरा उतरूंगा मैं। मुझे विश्वास है, बस कभी भी अपने भीतर मैं की भावना अर्थात अहंकार मत आने देना। सदैव यही मानना कि जो हो रहा है वो करने वाले प्रभु विष्णु ही हैं, तो केवल माध्यम है और कुछ नहीं। विंता, कहां मर गई तू? तू और तेरा पुत्र, तुम दोनों मेरे पुत्रों का भूखा मारोगे क्या? भोजन की व्यवस्था करो। अब पता चलेगा गरुड़ और विंता को अपना असली स्थान। एक दास चाहे कुछ भी कर, वो दास ही रहता है। क्या कदरू की इतनी तीखी बातों पर भी इनका कोई असर नहीं हुआ? विंता जी, राजकुमार और साग मांग रहे हैं। हाँ, दोबारा बना दिया है, वहां रखा है। विंता जी, लड्डू वो रखे हैं, ले जाओ। में इतना समय, खीर बनने में कितना समय है? बस तुम्हारी खीर की प्रतीक्षा है विंता। तुम्हें तो पता है ना मेरे पुत्रों को खीर कितनी प्रिय है। कदरू का तो स्वर ही बदल गया, ऐसा क्या हो गया पल भर में? दीदी